बिल्कुल। चलो आज के टॉपिक का नाम लिख लो पहले आप लोग। आज पढ़ने वाले ओएसपीएफ, ठीक है भाई। ओएसपीएफ हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अगेन वही स्टार्ट करूंगा, मैं बेसिक से लेऊंगा स्टार्ट करूंगा। और कहाँ तक ले जाऊंगा इसको? एडवांस तक ले जाऊंगा, ठीक है। तो मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम मान के चलो ये 4 से 5 दिन के टॉपिक। कितने दिन का? 4 से 5 दिन का टॉपिक है, क्लियर है। चलो तो ओएसपीएफ की बेसिक थ्योरी तो याद है ना सबको? क्या सर चलो देखो, हमने पहले पढ़ा था नेहा जी, पहले पढ़ा था हमने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। कौन सा पढ़ा था? डिस्टेंस डिस्टेंस वेक्टर। वेक्टर फिर हमने EIGRP पढ़ा एडवांस, साइबर ये सुनो। फिर हमने कौन सा पढ़ा था? एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था भाई? डिस्टेंस वेक्टर का 15 hop था, एडवांस का 100 था। लेकिन एक्चुअली क्या था? ये भी किस पे काम कर रहा था? होप काउंट पे। अब मुझे कोई ठीक ऐसा एक प्रोटोकॉल चाहिए था जो स्टेबल था और होप पे काम नहीं कर सकता था, ये सुनो। क्योंकि मेरे नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस हो सकते हैं या नहीं, तो दैट इज द रीजन आई एम यूजिंग राइट नाउ विच वन प्रोटोकॉल? अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल पढ़ने वाले हम? नेक्स्ट डेट देखो इसको बोलते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अब इसको नाम क्यों दिया गया लिंक स्टेट? जो ओएसपीएफ है वो लिंक की प्रॉपर्टी पे काम करता है। किसकी? लिंक प्रॉपर्टी, क्लियर है। ठीक तो ओएसपीएफ को ही हम क्या बोलते हैं? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ओएसपीएफ की फुल फॉर्म याद रखना, क्या बोलते हैं? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ है फर्स्ट। क्या बोलते हैं? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओएसपीएफ में वर्जन्स होते हैं डियर, क्या होते हैं वर्जन्स? अब कितने वर्जन होते हैं देखो। पहला होता है ओएसपीएफ वर्जन 2, ये IPV4 सपोर्ट करता है। कौन सा? IPv4 IPV4। और एक और होता है ओएसपीएफ वर्जन 3, क्लियर है। कौन सा? वर्जन 3। अब ये भाई साहब IPV4 प्लस IPV6 दोनों क्या करते हैं? सपोर्ट। क्लियर हुआ? चल अब नेक्स्ट बात करो। अब जब भी मैं कोई राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़ाता हूँ उसकी ED वैल्यू पे बात करते हैं हम लोग, ये सुनो। तो ओएसपीएफ में भी ED वैल्यू होती है। क्या होती है? ED वैल्यू। ED वैल्यू को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। क्या बोलते हैं वरुण जी, परवेज जी? एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, देन हम प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं, ये यस सुनो। सर। इजी हो जाता है फिर हमें फीचर्स पढ़ने के लिए। ओएसपीएफ में याद रखना 3 AD वैल्यू होती है। पहली होती है इंटर एरिया। कौन सी वाली? एंटर इंटर एरिया एरिया 110। कितनी होती है भाई? 110। 110। अब दूसरी बात करो, एक होती है इंट्रा एरिया। इंट्रा एरिया ये AD वैल्यू पूछी जाती है, बुलटेन ये भी कितनी होती है? 110। एक होती है भाई आपकी एक्सटर्नल। एक्सट्रा। आई थिंक मैंने CCA ने भी क्लियर कर रखा है सब यस सर कुछ, बता रखा। ठीक है भाई। देखो अब ये AD वैल्यू 3 क्यों बनाई गई उस पर भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। धीरे धीरे चलेंगे कि 3 AD वाला बनाने का रीजन क्या था ओएसपीएफ में। चलो अब बात करो ओएसपीएफ की। एक ओएसपीएफ आपका एक एल्गोरिथम यूज करता है। क्या यूज करता है भाई? एल्गोरिथम स्पीयर एल्गोरिथम। जिक्स क्या नाम है इनका भाई डिस्ट्रा साहब का? डिस्ट्रा। डिस्ट्रा जो भी आपने बोल दिया, डिस्ट्रा ठीक है। ओएसपीएफ में SPF एल्गोरिथम चलती है। कौन सी एल्गोरिथम? SPF का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। क्या बोलते हैं नेहा जी? शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। अब देखो ओएसपीएफ में जो एल्गोरिथम चलती है वो एक ट्री बेस के तरह चलती है। कैसे चलती है? ट्री की तरह। पहले यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो 1 by 1 सब पे क्या होता है? एल्गोरिथम को रन करता है ओएसपीएफ। AD वैल्यू हो गई, एल्गोरिथम का नाम हो गया, क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरी, ओएसपीएफ। ओएसपीएफ का प्रोटोकॉल नंबर होता है। क्या होता है? प्रोटोकॉल नंबर प्रोटोकॉल नंबर 89, क्लियर एटी है भाई।
OSPF called a classless routing protocol. क्या बोलते हैं इसको? Classless routing protocol. OSPF. OSPF एक multicast IP address use करता है. क्या use करता है? Multicast IP address. कौन सा वाला? पहला होता है 224.0.0.5 और दूसरा होता है 224.0.0.6. दो क्यों यूज करेगा ये भी बात करेंगे हम. ठीक है भाई. OSPF. OSPF में टाइमर्स होते हैं. क्या होते हैं? पर हमेशा याद रखना इनके लिए किन पर डिपेंड करता है ये. क्लियर है भाई? लिंक का मतलब याद रखना कि जैसा नेटवर्क होगा वैसे टाइमर होंगे. क्लियर है? तो पहला जो टाइमर होता है उसे बोलते हैं हेलो. क्या बोलते हैं? हेलो का मतलब कीप अलाइव. ये कितना होता है आपका? 10 सेकेंड. दूसरा होता है आपका होल्ड टाइम. इसको बोलते हैं वेटिंग टाइमर. ये सुनो, कौन सा टाइमर? वेटिंग टाइमर. नेबर डाउन होने पे कितनी देर वेट करेगा? 30 सेकंड. अब होल्ड में भी दो कॉन्सेप्ट बताए थे, डायरेक्टली. ठीक है भाई. दूसरा OSPF. क्लियर है भाई? OSPF में कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस आईडी का होता है. किसका होता है? प्रोसेस आईडी को OSPF में बोलते हैं PID. क्या बोलते हैं? PID एक्चुअली आपका 16 बिट की वैल्यूज होती है. कितने बिट की वैल्यू होती है इज्जत? 16 बिट. अगर इसमें पावर लगा दो 2 की पावर 16 तो वैल्यू आएगी 65536. और जो इसकी वैलिड रेंज निकल के आएगी 1265535. ठीक है भाई? इतनी प्रोसेस आईडी क्या कर सकते हो? एलोकेट कर सकते हो. किसको? OSPF प्रोसेस को. क्लियर है भाई? Yes. पता है आप लोग? अब नेक्स्ट पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट. बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं. देखो NA में भी बताया था और यहाँ पे भी बता रहा हूँ. लाइनें पढ़ेंगे मेरे साथ. विद इन एरिया OSPF प्रोसेस आईडी कैन बी डिफरेंट. क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है. क्लियर है भाई? चलो खत्म करो इसको. दूसरी बात करो. OSPF में कॉन्सेप्ट ऑफ एरियाज होते हैं. क्या होते हैं? एरियाज. भाई एरिया कितने होते हैं? अब ये भी पूछते बंदे. तो ये होता है 32 बिट्स. क्लियर है भाई? कितने बिट की होती है? 30. एक बहुत बड़ी वैल्यू. OSPF. OSPF में एरिया जीरो. किसकी बात करूं? एरिया जीरो. ऐसे बोलते हैं बैकबोन एरिया. क्लियर है? इस एरिया जीरो से अदर एरियाज, अनदर एरियाज मस्ट बी कनेक्ट. कनेक्ट होने चाहिए. ठीक है भाई? अब देखो, किसी ने बोला सर अगर एरिया वन होगा तो ये तो एरिया वन ही जाएगा, एरिया टू होगा तो एरिया टू ही जाएगा. अगर किसी ने बोला सर एरिया 99 होगा तो ये भी कैसे जाएगा? 99. अगर 100 होगा तो भी कैसे जाएगा? 100. अगर किसी ने बोला सर 255 होगा तो भी ये कैसे जाएगा? एरिया नंबर 255. अगर किसी ने बोला सर 256 होगा तो कैसे जाएगा? है ये क्या होगा? तो आपको याद है सबनेटिंग में मैंने 0.255+1 करा था. तो 256 हो सकता था. हाँ सर ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? 1.0. तो ये कैसे जाएगा? 1.0. याद रखना ये बात.
और ये ऑक्टेट का खेल होता है, बिल्कुल एक ऑक्टेट में तो 255 ही फिट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट बात करो। OSPF, ठीक है भाई। OSPF में राउटर की राउटर के रोल होते हैं, क्या होते हैं? राउटर रोल, पहला होता है DR, क्या होता है? DR कॉल्ड डेजिनेटेड राउटर। बात करेंगे क्यों बनाया गया, BDR इसे क्या बोलते हैं? बैकअप डेजिनेटेड, बैकअप ऑफ डेजिनेटेड राउट है। तीसरा भी होता है DR, क्लियर है भाई। OSPF, OSPF में DR राउटर का इलेक्शन होता है, किसका इलेक्शन होता है? तो पहला क्राइटेरिया होता है प्रायोरिटी, और दूसरा होता है हाईएस्ट राउटर आईडी, और दोनों ही याद रखना, दोनों ही कॉन्सेप्ट कौन से मोर प्रेफर होते हैं? हाईएस्ट, क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट बात करो। ओएसपी बाय डिफॉल्ट ओएसपीएफ इनेबल डिवाइस प्रायोरिटी कितनी होती है? वन। कितनी होती है? वन। वन, क्लियर है। चलो बात करेंगे क्यों वन करी गई। तो ओएसपीएफ एक और बात कर लेते हैं, ओएसपीएफ मेंटेन, क्या मेंटेन करता है? डेटाबेस। ओएसपीएफ, इन ओएसपीएफ क्रिएट डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ RIDs, किससे बनाता है वो? राउटर आईडी। तो याद रखना, RID बहुत सुन रहे हो आप जब से मेरे से। RID की फुल फॉर्म क्या होती है? इज्जत, सिर्फ इज्जत बताएंगे। राउटर आईडी, ठीक है भाई। ये क्या होता है? एक IPv4 का एड्रेस, ठीक है भाई। ये क्या होता है? यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक। और इसे क्या रखना पड़ सकता है? डिफरेंट। क्या रखना पड़ता है? डिफरेंट, क्लियर है। दूसरा, इसके लिए क्या होता है? हमेशा इलेक्शन। क्या होता है? इलेक्शन। तो पहला क्राइटेरिया होता है कि मैनुअल कॉन्फिगर राउटर आईडी, पहले किस पे जाएगा? कि मैनुअल देखेगा। अगर मैनुअल नहीं मिली तो किस पे जाएगा? लूप बैक इंटरफेस IP, किस पे जाएगा? इज्जत, लूप बैक इंटरफेस IP। अगर ये भी नहीं मिला तो किस पे जाएगा? नेहा जी पढ़ना, फिजिकल इंटरफेस IP। चलो ठीक है भाई। ओएसपीएफ में जो डेटाबेस होता है उसको मेंटेन करने के लिए, किसको? डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए ओएसपीएफ में किसका यूज होता है? LSA, तो इसे बोलते हैं लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, क्लियर है। और LSAs के भी क्या होते हैं? टाइप्स। क्या होते हैं नेहा जी? LSA टाइप्स। ओएसपीएफ में जो डेटाबेस होता है उसका एजिंग टाइम बोल सकते हो आप। एक्चुअली एजिंग टाइम का मतलब होता है कुछ देर बाद ये फ्लश हो जाता है, ठीक है, दोबारा से रीबिल्ड करता है। उसका कितना टाइम होता है? 1 आवर, 3600
सेकेंड, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन कितना है बाय डिफॉल्ट 1 आवर। क्लियर है भाई कि हर एक घंटे बाद वो डेटाबेस क्या करेगा, रीजनरेट, रिबिल्ड करने लगेगा। प्रॉब्लम है ना नेटवर्क में, यस और नो? LSA रीजनरेट टाइम, क्या बोल रहा हूं मैं, LSA रीजनरेट टाइम। तो LSA को भी कुछ देर बाद ये क्या करता है, दोबारा से जनरेट करता है। उसका जो टाइम होता है वो होता है 1800 सेकेंड्स। नेहा जी कितने मिनट होगा इसका मतलब बताइए। 30 मिनट। कितना हो गया, 30 मिनट। क्लियर है भाई? चलो दूसरी बात करो, OSPF। अब तो मजा आ रहा है, देखो अब बात समझो OSPF की। OSPF में बाय डिफॉल्ट जो मैक्सिमम पाथ होते हैं, कौन से पाथ, मैक्सिमम का मतलब क्या बताता था हर बार, कि बेस्ट, बेस्ट रूट कितने इंस्टॉल कर सकते हो आप, 4 इंक्रीज हो जाते हैं, डिपेंड करता है आईओएस पे कितने कर सकते हो। ठीक है भाई, OSPF में दूसरी बात करो, OSPF की जो मैट्रिक होती है, यानी बेस्ट पाथ जो लर्न करता है वो किससे करता है, लिंक की कॉस्ट से। किससे करता है, लिंक की कॉस्ट से। OSPF में एक और लाइन लिख सकते हो आप, लूप प्रिवेंशन। कौन सी बात कर रहा हूं, लूप प्रिवेंशन, लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म। चलो मुझे एक बार बताओ इज्जत, रिप में लूप कैसे प्रिवेंट होता है भाई, रिप में लूप कैसे प्रिवेंट होता है, सर एक प्रोटोकॉल उसमें चला रहे सर, रिप अंदर वो पाइथन क्या था सर उसके नाम, स्प्लिट होरिजन, या स्प्लिट होरिजन। और EIGRP में, EIGRP में क्या चलाते हो? हाँ जी सर, इसके अंदर भी एक प्रोटोकॉल है, एक कमांड चलाते हैं सर इसका, EIGRP में कौन सा लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म था, ड्यूल एल्गोरिथम, यस और नो? यस। और रिप में क्या था, स्प्लिट। तो अब बात समझो, OSPF का जो लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म वो किस पर डिपेंड करता है हमेशा, सीक्वेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर। चलो एक मिनट होल्ड पर रहना आप लोग, चलो आवाज आ रही है आप लोगों को, बताएं क्लियर है, आवाज आ रही है? यस सर। वरुण जी, परवेज जी, नेहा जी, इज्जत, लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म क्या बताया, सीक्वेंस नंबर। अब बात समझो, मेन पॉइंट है OSPF के, अब सारे मेन पॉइंट पे बात करता हूँ। देखो OSPF में नेटवर्क टाइप्स होता है, क्या होता है नेहा जी, नेटवर्क टाइप्स। OSPF में LSA टाइप्स होता है, ठीक है, OSPF में
राउटर टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं? राउटर टाइप। ओएसपीएफ में पैसिव इंटरफेस होता है, क्या होता है? पैसिव इंटरफेस। ओएसपीएफ में समरी का भी कॉन्सेप्ट होता है। कौन सा समरी का कॉन्सेप्ट होता है? दोनों याद रखना, कौन कौन सी बताई थी? ऑटो और मैनुअल। और ओएसपीएफ ऑल्सो सपोर्ट ऑथेंटिकेशन। क्या सपोर्ट करता है? ऑथेंटिकेशन। क्लियर है भाई? नेहा जी, वरुण जी, क्लियर है? ओएसपीएफ में 7 स्टेज प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? कुछ याद आया वरुण जी? 7 स्टेज में सर? हाँ, पिछली बार बताया था आपने सर। चलो बस, अब इतनी थ्योरी पढ़ ली हमने, अब समझो ओएसपीएफ को इनेबल कैसे करते हो, कहाँ जरूरत पड़ती है। सपोज करो R1 कनेक्टेड वाया R2 और R1 पे क्या बना दिए? लूपबैक 1.1.1/32। यहाँ पे भी क्या बना रहा हूँ R2 पे? /32। R1 और R2 के बीच में कौन सा नेटवर्क दोगे? 12 का सर। हो गया भाई? चलो अब मुझे बताओ R1 पे राउटिंग टेबल में कौन कौन से रूट होंगे? हर बार पूछ रहा हूँ, याद रखना ये चीज सर। 1 हो गया और 12। एक क्या होगा 1 का और एक क्या होगा 12 का। बहुत बढ़िया। R2 की राउटिंग टेबल में कौन कौन से रूट होंगे? नेहा जी बताएंगे। 2 का और एक 12 का। बहुत बढ़िया, एक 2 का होगा और एक 12 का। चलो अब बात समझो, R1 के पास 2 का नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है या इनडायरेक्टली? इनडायरेक्ट। और R2 के पास 1 का नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये भी क्या है इससे? डायरेक्टली इनडायरेक्ट है। क्लियर है? तो दैट इज द रीजन आई एम परफॉर्मिंग अ राउटिंग। सिंपल। चलो, और राउटिंग भी कौन से प्रोटोकॉल के साथ सिखा रहे हैं? EIGRP में होप काउंट का इशू आया था। यस और नो? OSPF में होप काउंट का कोई इशू है ही नहीं। क्लियर है? चलो अब देखो, पहले सीखो इसका इनेबल प्रोसेस। तो आपको क्या लिखनी पड़ती थी कमांड? राउटर। फिर क्या बताना पड़ता था भाई? प्रोटोकॉल कौन सा है। यस और नो? चलो मैंने लिख दिया OSPF। अब आपको बतानी पड़ेगी प्रोसेस आईडी। अब प्रोसेस आईडी कैन बी डिफरेंट विद इन एरिया। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे? प्रोसेस आईडी 1। और जैसे ही मैंने इस कमांड को डाल के क्या लिखा? एंटर। तो भाई मेरे पास एक एरर आया। क्या एरर आया? एरर, नो राउटर आईडी फाउंड। एलोकेट OSPF प्रोसेस। कि मुझे OSPF का प्रोसेस क्या करना था? इनेबल। लेकिन क्या नहीं हो पाया? इनेबल नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने इसके फिजिकल इंटरफेस को क्या कर रखा था? यहाँ पे शट डाउन। क्या कर रखा था? शट डाउन। तो फिजिकल इंटरफेस जब तक अप नहीं होगा, राउटर आईडी का इलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है भाई? यस सर। चलो अब आपको सीखना है राउटर आईडी का इलेक्शन। क्या सीखना है? राउटर आईडी इलेक्शन। तो क्राइटेरिया क्या कहते हैं? पहला मैनुअल, दूसरा लूपबैक आईपी, तीसरा फिजिकल इंटरफेस आईपी। बहुत बढ़िया। देखो पहली कंडीशन, राउटर 1 कनेक्टेड फिजिकल 12.0.0.1 कनेक्टेड वाया फिजिकल 23.0.0.1। तो 0/0/0/1 OSPF इनेबल करा, तो इसकी राउटर आईडी क्या होगी इलेक्शन में? देखो क्या मैनुअल दे रखी है? नहीं। तो ये तो हट गया। क्या लूपबैक बना हुआ है? नहीं। ये भी क्या हो गया? हट गया। क्या फिजिकल है? यस। एक 12 है और एक
23. तो हमेशा आईपी को कैसे आइडेंटिफाई करना सिखाया था एनए में, फर्स्ट ऑक्टेट. तो फर्स्ट ऑक्टेट किसकी हाईएस्ट है? 23. तो राउटर आईडी क्या बन गई नया जी? क्लियर है भाई? अब दूसरी बात समझो. आर वन फिजिकल इंटरफेस, ये आपके लूप बैग भैया. ये कौन है? लूप बैग. अब मुझे बताओ, जैसी मैं आर वन पे ओएसपीएफ चलाऊंगा, क्या चलाऊंगा? ओएसपीएफ. तो इसकी राउटर आईडी क्या होगी इज्जत? पहले चेक करो, मैनुअल है कोई? नहीं. कोई लूप बैग है? यस. कौन सा है? 1.1.1. तो कौन सा लूप बैक बन जाएगा इसका राउटर आईडी? अब बहुत से बच्चों को क्वेश्चन है, सर आपने फिजिकल क्यों नहीं काउंट करा? अगर सेकंड क्राइटेरिया अवेलेबल नहीं है तभी आप फिजिकल पे जाओगे, उससे पहले नहीं जाओगे. क्लियर है भाई? तो राउटर आईडी क्या बन गया इसकी? नहीं, 1.1.1. चलो एक और कंडीशन बना सकता हूं मैं. फिजिकल राइटिंग समझ में आ रही है? Yes, नहीं भी आएगी कोई दिक्कत नहीं, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. लूप बैक, ये भी लूप बैक है. ये लो, लूप बैक भी लिखो आप, आज डरा ही देता हूं. चलो अब मुझे बताओ राउटर आईडी कौन सी आएगी? सर 10.100. बताइए भाई. 10.100 क्यों है भाई? देखो मैनुअल तो R1 पे है ही नहीं, भूल गए. अब लूप बैक देखो कितने, एक 1 का है और एक 10 का है, कहीं इस पे मत जाना 100 वाले पे. तो हमें फर्स्ट ऑक्टेट में कौन हाईएस्ट मिल रहा है? 10 वाला. तो राउटर आईडी कौन सी बन गई? 10.100.100. अभी बात करेंगे मैनुअल पे. मैनुअल पे गाड़ी गई है हमारी? नहीं. अब जाएगी, आगे भागोगे गिर जाओगे. ये लो 12.0.0.1, 23.0.0.1, लूप बैक 11 11 11 11. ठीक है भाई? और यहां पर एक भैया थे, उन्होंने क्या दे रखी है इसको? मैनुअल. अब बताओ R1 पे राउटर आईडी क्या होगी? सर 1.1.1. क्यों होगी? क्योंकि मैनुअल दे दिया उसको, मोर प्रेफर होगी. ठीक है भाई, फर्स्ट क्राइटेरिया मोर प्रेफरेबल. तो राउटर आईडी का किस्सा खत्म. क्लियर है? यस यस. अब राउटर आईडी के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, इंटरव्यूज में पूछा जाता है राउटर आईडी से रिगार्डिंग. ठीक है भाई? कई बार अगर आप सीसीएनपी सीसीआई लेवल पे देते हो तो पूछ लेते हैं ऐसी क्वेश्चंस आपसे. राउटर आईडी कैन बी चेंजेबल इफ नेबरशिप नॉट फॉर्म. अगर नेबरशिप क्या नहीं कर रखी आपने? क्या क्लियर करना पड़ेगा? बताया भाई, ओएसपीएफ के प्रोसेस को. चलो ये खत्म होता है इनेबल का प्रोसेस. अब आओ दूसरे स्टेप पे. अब बात समझो, पहले तो आप मस्त हो ओएसपीएफ. OSPF में मैसेजेस होते हैं, क्या होते हैं मैसेजेस? तो EIGRP का सुना दो इसी बात पे, कौन कौन से थे? हेलो, क्वेरी, रिप्लाई, एक्नॉलेज. अच्छा, डायरेक्ट ही EIGRP में कोई तो होते हैं. हेलो, अपडेट, क्वेरी, रिप्लाई, एक्नॉलेज, गारंटी. असल ये जितने वही होते हैं, पांच होते हैं. पहला EIGRP के बताओ भाई.
बता दो दिए हेलो अपडेट क्वेरी रिप्लाई एक्नॉलेज हेलो अपडेट हो जाएगी नल फुल पार्शियल उसके अंदर अपडेट में। चलो अब ओएसपीएफ के समझो, ओएसपीएफ का पहला मैसेज इसे बोलते हैं हेलो मैसेज, क्या बोलते हैं हेलो मैसेज। दूसरा इसे बोलते हैं डीबीडी मैसेज। तीसरा होता है एलएसआर मैसेज, कौन सा एलएसआर। चौथा होता है एलएसयू मैसेज, कौन सा होता है LS. और फिफ्थ होता है अब एक बार बताओ इन मैसेजेस को देख के आपको क्या लगता है ये रिलायबल है या अनरिलायबल है, पहले बताओ, क्योंकि मैसेज से ही क्लियर करना डियर। प्रोटोकॉल को जाने से पहले आपको पता होना चाहिए प्रोटोकॉल रिलायबल है या अनरिलायबल है, तो ये रिलायबल है। अगर आपके पास एक्नॉलेज आ रही है दैट मींस ये प्रोटोकॉल रिलायबल है, यस और नो, दैट मींस ये प्रोटोकॉल क्या रखा है रिलायबल है, इतनी कंडीशन याद रहेगी। बताएं आप लोग इतनी कंडीशन याद रहेगी। चलो अब बात समझो दूसरी, अब देखो फुल फॉर्म पे आ जाते हैं। देखो हेलो का तो याद रखते हो, हेलो दो काम करता है। देखो एक तो क्या करता है डायनामिक नेबरशिप फॉर्म कराता है, क्या कराता है डायनामिक नेबरशिप, और दूसरा क्या करता है पैरामीटर्स को क्या करता है, और तीसरा काम पूछा जाता है, हो गया त्रिशूल बना दो लो। अब आ जाओ डीबीडी की कहानी पे, डीबीडी का मतलब होता है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज, क्या बोलते हैं इसको भाई डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज, क्लियर है। एलएसआर मैसेज का मतलब होता है लिंक स्टेट रिक्वेस्ट मैसेज, क्या बोलते हैं इसको लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। एलएसयू को बोलते हैं लिंक स्टेट अपडेट मैसेज, क्लियर है, और एलएसएक को बोलते हैं लिंक स्टेट एक्नॉलेज मैसेज, क्या बोलते हैं इसको नेहा जी लिंक स्टेट एक्नॉलेज। चल अब बात समझो दूसरी, क्या कनेक्ट कर रहे थे हम, आर वन कनेक्टेड वाया आर टू, जीरो जीरो स्लैश थर्टी। अभी स्लैश थर्टी मैं एनए में पढ़ा चुका हूं किस लिए रखा गया था, इस पे ज्यादा डिस्कशन होगा ही नहीं। लूप है टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू स्लैश थर्टी टू। अब एक बात हो आर वन से दोबारा से कौन इनडायरेक्ट कनेक्ट हो गया, टू डॉट टू, दैट इज द रीजन आई एम रनिंग विच वन प्रोटोकॉल, राउटर प्रोटोकॉल प्रोसेस आईडी। अब नाम तो लिखूंगा ही नहीं, ये भी हमने क्लियर कर लिया। एंटर करने के बाद राउटर आईडी क्या हो गया आर वन की, पहला क्वेश्चन नेहा जी आर वन की राउटर आईडी क्या होगी बताना देख के। .1.1.1 बहुत बढ़िया, चल इससे पता चल जाता है क्लास में ही ध्यान है। चल तो राउटर आईडी आर वन की 1.1.1.1, राउटर आईडी आर टू की परवेश जी क्या होगी 2.2.2.2। क्लियर है वरुण जी? यस सर क्लियर। नाउ वी डिस्कस, अब मुझे क्या बताने हैं दो मेथड OSPF में, OSPF इनेबल कैसे करते हैं पर्टिकुलर इंटरफेस पे, और OSPF में एडवर्टाइज कैसे करते हैं, ठीक है भाई। तो इनके लिए भी दो भाई हैं, अगर आपने नेबर कमांड को रन करा, किस कमांड को नेबर, तो नेबर कमांड का मतलब 1-to-1, दैट मींस 1-to-1 कम्युनिकेशन, आई एम कॉलिंग यूनिकास्ट, कैसा होगा यूनिकास्ट। अगर मैंने यहाँ पे दूसरी कमांड रन कर दी है आपकी नेटवर्क कमांड, कौन सी कमांड नेटवर्क, नेटवर्क कमांड से दो प्रोसेस होते हैं, 1-to
ऑल भी करता था ये रिप में, और वन टू मैनी भी करता है, ठीक है भाई याद रखना। तो अभी के लिए मैनी लिख रहे हैं क्योंकि मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल है, ब्रॉडकास्ट को सपोर्ट ही नहीं करता, क्लियर है। Yes, और नेटवर्क कमांड में एक और प्रोसेस होता है, डीएनडी प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डीएनडी। इज द डीएनडी प्रोसेस का मतलब? हाँ जी, डीएनडी प्रोसेस का मतलब डू नॉट डिस्टर्ब नहीं होता है, डायनामिक नेबर डिस्कवरी। क्या बोलता है? डायनामिक नेबर डिस्कवरी। चलो अब देखो, नेटवर्क कमांड के भी चलाने के चार मेथड। अब मजा आ रहा है ना, ये लो। अब आपने लिखी नेटवर्क, क्या लिखा? नेटवर्क। और आप उसके बाद क्या लिख सकते हो? एक पर्टिकुलर आईपी। फिर क्या बताना पड़ेगा यहाँ पे उसका? वाइल्ड कार्ड बिट। क्या बताया था सीसीएनए में? वाइल्ड कार्ड बिट। अभी बात करूंगा किस लिए करते हो। चलो दूसरी नेटवर्क कमांड पे आ जाओ। नेटवर्क कमांड चलाई, yes, और क्या लिखा है यहाँ पे? नेटवर्क एड्रेस। और फिर क्या लिखा है इसके बाद? दोबारा से वाइल्ड कार्ड बिट। तीसरी नेटवर्क कमांड भी चला सकते हो। अब ये तीसरी कौन सी आ गई भाई? तीसरी कौन सी थी? इसे क्या बोलते थे? एनी। क्या बोलते थे? एनी। और दोबारा इसका क्या बता दो? वाइल्ड कार्ड बेट। हो गया भाई, आईपी, नेटवर्क एड्रेस और एनी। फोर्थ अभी रहनी दो आप। अब देखो ये तीनों कमांड कैसे काम करते हैं, पहले समझो। राउटर वन है, इस पे 12.0.0.1 है, एक लूप बैक है 1.1.1.1। अब मैंने इस पे नेटवर्क कमांड चला दी। क्या चला दी? नेटवर्क। नेटवर्क में लिखा 12.0.0.0। अब ये क्या करता था? एक डीएनडी प्रोसेस चलाता था, उस डीएनडी प्रोसेस में देखता था आर वन पे कौन से इंटरफेस पे 12 का नेटवर्क है। देख के बताओ कौन से इंटरफेस पे? कौन से इंटरफेस पे? इस वाले पे 12.1 पे। तो इस पे किसको इनेबल करता था? ओएसपीएफ। क्लियर है भाई? सिर्फ इस पे क्या इनेबल करता था? ओएसपीएफ। अब गलती से नेटवर्क इंजीनियर ने एक और यहाँ पे इंटरफेस बना रखा है 12.1.1.1। ये तो दूसरा नेटवर्क हो गया, यस और नो? लेकिन इस पे भी क्या हो गया इनेबल? इस पे भी क्या हो गया इनेबल? ओएसपीएफ। क्यों हो गया? रीजन समझो। अब नेटवर्क एडमिन ने यहाँ पे क्या डिफाइन करा था उसका? वाइल्ड कार्ड बिट। अब WCB की छोटी सी एक थ्योरी पढ़ लो। WCB कॉल्ड वाइल्ड कार्ड बिट। क्लियर है भाई? WCB यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। किसके लिए यूज होती है? सिक्योरिटी के लिए। WCB सपोर्ट EIGRP और OSPF। कौन कौन सपोर्ट करता है? WCB टू फिक्स नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन। किसको फिक्स कर देता है? नेटवर्क एंड होस्ट। कितने एडवर्टाइज करने? WCB में एक क्या यूज होता है? फॉर्मूला। क्या लिखा फॉर्मूला? GSM माइनस CSM। अब ये GSM की सिम नहीं है भाई, GSM कॉल्ड क्लियर है, और CSM कॉल्ड नया जी कस्टम सप्लाई कस्टम सब। बहुत से बंदे कहते हैं सर डिफॉल्ट क्यों नहीं लिखा, भाई डिफॉल्ट नहीं चलता है, दैट इज द रीजन। रियल टाइम में कस्टमाइज एडवर्टाइज होता है, ठीक है। GSM क्या होता है? फिक्स होता है 255, ठीक है भाई।
और CSM क्या कर सकता है? Vary कर सकता है. क्लियर है? तो आपको GSM को किस में से माइनस करना है? CSM में से. चलो पहले क्वेश्चन समझो. अगर मेरे पास नेटवर्क है 12.0.0 स्लैश वैल्यू कितनी आ रही है? 24. तो मुझे इसका क्या निकालना है? वाइल्ड कार्ड बिट. क्योंकि इसमें एक ही ऑक्टेट किसके लिए चल रही है? होस्ट के लिए. और बाकी की तीन ऑक्टेट किसके लिए चल रही है? नेटवर्क. नेटवर्क के लिए. क्लियर है भाई? अब देखो मैंने लिखा GSM 255 255 255 255 और CSM क्या कर दिया? 255 255 255.0 माइनस कर लो 255 255 0 दिस वन आल्सो 0 दिस वन आल्सो 0 बट हियर आई एम गेटिंग 255 मुझे क्या मिल गया अब अपना? अगर मैं इसमें एक नेटवर्क कमांड चला दूं, अब नेटवर्क कमांड जो चलाऊंगा उसमें क्या लिखूंगा? नेटवर्क एड्रेस क्या है? हो गया. और वाइल्ड कार्ड बिट क्या कर दी? अब देखो समझो, पहली ऑक्टेट को मैंने क्या कर दिया? इसको फिक्स. सेकेंड ऑक्टेट को भी क्या कर दिया? फिक्स. थर्ड ऑक्टेट को भी क्या कर दिया? फिक्स. लेकिन डियर फोर्थ ऑक्टेट 0 है मेरे एड्रेस में, लेकिन वाइल्ड कार्ड बिट में क्या है? 255. तो ये कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेके 255. 0 नेटवर्क और 255 ब्रॉडकास्ट. वैलिड कितने हो गए? 255. खत्म कहानी. चलो आगे. अगर आपके पास स्लैश वैल्यू ऐसे आ जाए तो वाइल्ड कार्ड बिट निकाल लोगे इसकी? ये क्या लिखा हुआ है नेहा जी, बताइए? GSM. CSM क्या होगा? हो गया भाई 252. अब देखो ये क्या हो जाएगी इज्जत? 0. और इसमें से गया तो कितना आएगा? 3. नेहा जी आवाज नहीं आ रही आपकी. अब मैंने नेटवर्क कमांड क्या लिखी इज्जत? 12.0.0.0. वाइल्ड कार्ड बिट क्या लिखा? 0.0.2. तो भाई देखो फिर दोबारा वही क्वेश्चन है. पहली ऑक्टेट फिक्स, दूसरी ऑक्टेट फिक्स, तीसरी ऑक्टेट फिक्स, बट नाउ आई एम गेटिंग अ फोर्थ ऑक्टेट. इज हाउ मेनी बिट्स इनेबल? 0 to 3. 3 भाई 0 से लेके 3 तक जाएगा नेटवर्क और ये क्या बन गया? और कितनी वैलिड निकले? 2. क्लियर है? अच्छा वाइल्ड कार्ड बिट क्लियर हुई? यस सर. है मजा आ गया अब तो आप लोगों को. देखो अब एक और कमांड देखो. R1 फिजिकल की आईपी क्या है? 1. लूप बैक पे क्या लिख रखा है? 1.1. और यहाँ पे जाके नेटवर्क कमांड चला दी 0.0.0.0. यहाँ पे क्या कर दिया? 255. इसका मतलब कितने इंटरफेस पे इस पे फिनेबल होने वाला है? सारा इंटरफेस 0 से लेके 255 तक जिसमें फर्स्ट ऑक्टेट में वैल्यूज होंगी सब पे क्या हो जाएगा? OSPF इनेबल. क्लियर है भाई? आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट. OSPF में से पढ़ने के बाद आप बुक से कहीं से भी पढ़ लेना भाई, सेम टू सेम मिलेगा. लूप बैक 1.1.1.1/32. लूप बैक 2.2.2.2/32. अब बताओ मैंने को क्या इनेबल करना था? OSPF इनेबल हो गया R1 पे. तो मैंने किस किस इंटरफेस पे इनेबल करा? एक फिजिकल और एक लूप बैक. जैसे इनेबल करा R1 ने क्या सेंड करा? हेलो मैसेज. कौन सा मैसेज भेजा इज्जत? हेलो मैसेज. हेलो मैसेज. अब ये हेलो मैसेज किस पे गया? डिपेंड ऑन कमांड्स, याद है ना? यस सर.
अगर मैंने कमांड चला दी नेबर तो यूनिकास्ट, और मैंने चला दी नेटवर्क तो क्या हो गया मल्टीकास्ट। और एड्रेस कौन सा यूज होता है देख लो, कौन सा मल्टीकास्ट एड्रेस यूज कराओ, तो हेलो के लिए ये वाला होता है। अब देखो हेलो मैसेज के अंदर ये क्या भेजता आपने कुछ पैरामीटर, पैरामीटर्स में पहला एरिया नंबर, क्या भेज रहा है एरिया नंबर, फिर क्या भेज रहा है एरिया नंबर के बाद बता रहा है अपना सोसाइटी। अरे भाई रुक तो जाओ, शांत रहो दो मिनट, ये लो एरिया के बाद बताता है आपका क्या करो बेबी सोसाइटी। अरे रुको तो सही भाई, सुनोगे तो सही, प्रायोरिटी, क्या भेजता है प्रायोरिटी, तीसरा भी भेजता है, तीसरे में क्या भेजता है ओएसपीएफ हेलो मैसेज, और फोर्थ में क्या भेजता है टाइमर्स, क्या भेजता है टाइमर्स। क्लियर है भाई? अब देखो आर टू भी क्या भेज रहा होगा पैरामीटर, ये सुनो। अब पैरामीटर दोनों के क्या होने चाहिए हमेशा मैच, क्या होने चाहिए पैरामीटर दोनों के मैच। अब इस पे दो कंडीशन होती है, इफ मैच इफ नॉट मैच। क्लियर है भाई? अगर मैच हुए आपके भाई साहब तो कौन से प्रोसेस में जाएंगे, अगर नहीं हुए तो नहीं जाएंगे। क्लियर है भाई? तो हमें कहाँ जाना है अभी यहाँ पे, ये सुनो। अब देखो इसमें इसमें जाने से पहले डायग्राम पे आ जाओ, वीएमवेयर ऑन कर लो अपना। अब तुम देखो ओके मैम, तो हम क्या करने वाले ओएसपीएफ का प्रैक्टिकल, दो राउटर लगा दिए, ये सुनो। टास्क है पहले इनेबल करना फिर एडवर्टाइज करना, ठीक है भाई? चलो आर वन पे चलो, आईपी दे दो पहले तो, ठीक है भाई? होस्ट नेम इज आर वन, कंफ्यूजन नहीं देंगे, हो गया भाई? इंटरफेस E0/0 नो शटडाउन, आईपी एड्रेस 12.1, सबनेट मास्क कर दिया, ठीक है भाई? एक क्या बना दिया लूप बैक 1, ठीक है भाई? अगर मैंने फिजिकल इंटरफेस डाउन कर दिया तो राउटर आईडी इलेक्ट होगी नहीं सर, देख लो भाई, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मैसेज तो भेजा ही उससे फिजिकल से, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन। दो इंटरफेस है लेकिन फिजिकल क्या हो रखा है अभी डाउन, ये लो राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी सेम बता रहा है तो 1 लिख दी, अभी वेट करो एरर आ जाएगा। No interface, loop back 1, no router OSPF 1, router OSPF 1, ये लो भाई, क्या लिखा रहा है फेल्ड हो गया, ये सर नो। तो हमेशा किसको ऑन रखना पड़ेगा आपको, फिजिकल इंटरफेस को, No router OSPF, ठीक है भाई? इंटरफेस E0/0 नो शट डाउन, ठीक है एक्सेस, राउटर OSPF 1, अब राउटर आईडी क्या होगी 1.1.1, चलो ठीक है आर टू पे भी कर दो, राउटर OSPF 1 एक्सेस, ये क्या बोल रहा है फेल्ड हो गया ना, तो इसको आईपी दे दो, हटा दो इसको, राउटर ओएसपीएफ 1 एक्स शो आईपी प्रोटोकॉल, नेहा जी क्या होगी इसकी राउटर आईडी 2.2.2, क्लियर है भाई? चलो
अब ओएसपीएफ इनेबल करना आ गया, एडवर्टाइज समझो, राउटर ओएसपीएफ वन, कौन कौन सी कमांड है देखो, एक नेबर कमांड है फॉर स्पेसिफिक, यस और नो, और एक कमांड कौन सी है, नेटवर्क, दिख रहा है? चलो मैंने क्या लिखा, नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क, 12.1, और क्या पूछ रहा है उसकी, क्या बताओ, तो मैंने क्या लिख दिया 00255, तो प्रॉब्लम है इसमें, यस और नो, क्योंकि ये एक से लेके 254 जिसकी भी आईपी होगी उस पर क्या कर देगा, इनेबल, यस और नो, 12.1 से लेके 12.254 तक जाएगा, यस और नो, ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3, कितना कर दिया, 3, अब क्या बोल रहा है, इनकम्प्लीट, क्या बताओ, एरिया, तो एरिया कौन सा लिख लिया, 0, शो आईपी प्रोटोकॉल, अब देखो प्रोटोकॉल कौन सा है, ओएसपीएफ, राउटर आईडी 1, बेस्ट पाथ 4, राउटिंग किस नेटवर्क के लिए हुई है, 12. के, ये उसका वाइल्ड कार्ड बिट, प्लस एरिया कौन सा है, एडी वैल्यू कितनी है, 110, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, ओएसपीएफ का कौन सा इंटरफेस है अभी एक्टिव, 0/, प्रोसेस आईडी 1, एरिया कौन सा है, 0, आईपी प्लस मास्क, उसकी कॉस्ट जो बाय डिफॉल्ट है, स्टेट और नेबर है कोई अभी, 0/0 नहीं है, लेकिन आप समझो R1 क्या भेज रहा हुआ कंटिन्यूअसली, हेलो मैसेज, देखो देख भी लो, अभी देखो यहाँ पे आपको R1 का हेलो दिखा देता हूं मैं, स्टॉप करो, पूरी इंफॉर्मेशन देखो यार, समझना, लेयर 3 पे प्रोटोकॉल नंबर कौन सा है, सोर्स आईपी 1 और डेस्टिनेशन 5, ओएसपीएफ के मैसेज जा रहा है कौन सा है, हेलो, हेलो में देखो नेटमास्क, ठीक है भाई, हेलो के अंदर नेटमास्क, प्रायोरिटी दिख गया, टाइमर दिख रहा है, और एक इसके हेडर में जाओ, एरिया आईडी 0.0.0, तो ये क्या है आपका ओएसपीएफ का हेलो प्लस पैरामीटर्स, हेलो प्लस पैरामीटर्स, इसमें 4 पैरामीटर्स बताए थे मैंने जो मेन काम करवा रहे हैं हमारा, एरिया नंबर है, प्रायोरिटी है, टाइमर से, और ओएसपीएफ हेलो मैसेज है, इसमें एक और लाइन लिख दो आप, नेटमास्क की मैंने लिखी थी, एडिट कर दी, ये लो नेटमास्क, तो इसमें कौन कौन से मस्ट मैच है, ये मैच होना चाहिए आपका, ये मैच होना चाहिए आपका, और ये क्या होना चाहिए आपका, मैच, ठीक है, प्रायोरिटी कैन बी डिफरेंट, प्रायोरिटी क्या हो सकती है नेहा जी, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है भाई, तो ये मैच करा दिया आपने, चलो एरिया आईडी अभी कितनी आ रही है, 0 दिख रही है ना, चलो एक जादू देखो, मैंने बताया था एरिया आईडी के बारे में भी कुछ याद हो तो आप लोगों को याद है कि अगर एरिया आईडी 256 होगी तो कितना जाएगा, 1.0 जी, दिखा भी देता हूँ, ये लो राउटर ओएसपीएफ 1, इसको नो कर दिया नेटवर्क कमांड को, ठीक है, और एरिया आईडी कितनी कर दी, 256, अभी जाने दो आ जाएगा हेलो, फिर दिखाऊंगा, आ गया, क्या जा रही है, 1.0 क्लियर है भाई, बोलो आप लोग, 1.0 बताया भी था और दिखा भी दिया, yes, sir. ओहो दूसरी बात, ओएसपीएफ की राउटर आईडी का भी कॉन्सेप्ट सिखा रहा था मैं तो, ये सुनो क्या बोला था, नेटवर्क लिख दूं और कौन सी कमांड लिख दूं, 0002552552552555, एरिया 0, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रीफ, कितने इंटरफेस पे इनेबल होगा R1 के, सभी हो गया इनेबल, ये सुनो, अब बात समझो दूसरी, OSPF router ID can be changed if router not form any neighborship. तो router ID भी कितनी है?
1.1.1 Yes. Router OSPF 1, router ID 2.2.2, show IP protocol. तो router ID क्या हो गई है? चेंज हो रही है, लोअर कर लो. कई बार ऐसे जादू देखने को मिलेंगे और पूछे जाएंगे. क्यों सर, राउटर आईडी तो दोनों राउटर की, क्यों सर दोनों राउटर की राउटर आईडी अगर मैच होगी तो गड़बड़ है ना? गड़बड़ तो है, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि कैन बी चेंज राउटर आईडी इफ राउटर नो राउटर नेवर फॉर्म नेबरशिप. तो राउटर जब तक नेबरशिप फॉर्म ही नहीं करेगा तब तक राउटर आईडी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. और जैसे आप लिख दोगे नो राउटर आईडी तो वो किस पे पहुंच जाएगा? डिफॉल्ट जो उसने इलेक्ट करी थी. ठीक है भाई, चलो R2 पे चलो. R2 पे चलो, पहले लिंक कैप्चर कर दो. बस अभी थ्योरी इतनी पढ़ाऊंगा, इनेबल डिसेबल करके दिखाऊंगा. राउटर OSPF 2 क्या कर दी? 2. और नेटवर्क 000. ठीक है भाई, 255 255 255 255. एरिया हो गया शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस ब्रेक. कितने इंटरफेस पे चल गया है? 2 पे. चलो वायर शार्क पे देखो. हेलो मैसेज गए, डीबीडी जा रहे, ये सर नो दिख रहे ना? ये डीबीडी दोबारा भेजा, अपडेट अपडेट खेलते रहेंगे ये लोग. अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, करने दो इन्हें जो करना है करने दो. तो पहले R1 ने हेलो भेजा, दिख रहा है हेलो? yes. फिर R2 ने डायरेक्ट किसको हेलो भेज दिया? R1 को. नेबरशिप बनाने के लिए पैरामीटर मैच करे. जैसे ही पैरामीटर मैच हुए भाई, क्या हुए? पैरामीटर मैच हुए तो उन्होंने क्या फॉर्म कर ली होगी? नेबरशिप. देखो नेबर कौन दिखा रहा है? 12.2. कौन सा नेबर है? 12.2. अब देखो अगर नेहा जी पैरामीटर्स मिसमैच हो गए, क्या हो गए? पैरामीटर्स मिसमैच. सपोज करो पैरामीटर मिसमैच करके दिखाऊंगा सिर्फ अभी. तो हम पैरामीटर को क्या करने वाले हैं यहाँ पे? मिसमैच. क्या करने वाले हैं भाई? पैरामीटर मिसमैच. तो पहला पैरामीटर में कौन सा चेक कर रहा हूं? टाइमर वाला. कौन सा वाला कर रहा हूं? टाइमर. हेलो कितने सेकंड का था वरुण जी, परवेश भाई? 10 सेकंड. और होल्ड 40 सेकंड. 10 और 40. 10 सेकंड, 40 सेकंड. चलो करके देखो. अब टाइमर भी तो समझ लो कैसे चल रहे हैं. पहले बात समझो, R1 R2 ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली, पहले ये बताओ. डायरेक्टली. हाँ जी डायरेक्टली है सर, दोनों डायरेक्टली. तो R1 पे जो होल्ड टाइमर होगा वो 40 सेकंड का होगा. तो वो कैसे चल रहा होगा? 0 से 39 तक. यस और नो बोलिए भाई. ऐसे तो टाइमर चलेगा. तो मैंने क्या लिखा? 39 से लेके 0 तक चलूंगा मैं. तो होल्ड टाइमर R2 भी कितना चला रहा है? 39 से 0 तक. अब R1 हर कितनी देर में हेलो भेज रहा होगा? 10. तो भाई 39 - 10 हो जाएगा ना. 29 क्या बन गया मेरा? रिफ्रेश. R2 के लिए भी रिफ्रेश कब है? 29. दिस थिंग क्लियर? ओके. ये R1 भेजेगा जब. अब समझो R1 पे चलो. देखो 38 7 6 4 3 2 1 30 20. हो गया भाई, दिख रहा है? Yes, अब टाइमर चेंज कर रहा हूँ. इंटरफेस E0/0 आईपी हेलो इंटरवल आईपी ओएसपीएफ 1 हेलो इंटरवल. हेलो इंटरवल कितने सेकंड? 5. क्लियर है भाई? और आईपी ओएसपीएफ होल्ड डेड इंटरवल, डेड टाइम इंटरवल इज 15 सेकंड. कितना कर दिया? 15. देखो शो आईपी ओएसपीएफ नेबर. नेबर तो अभी भी क्या कर रहा है? अभी 20. टाइमर डाउन कर दिया भाई, क्योंकि नेबर के टाइमर से क्या हो गए? मिसमैच. नेबर के टाइम क्या हो गए? मिसमैच. नेबरशिप क्या हो जाएगी यहाँ पे? डाउन. तो मुझे यहाँ पे तो 5-15 थे, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा जाके?
5 मिनट टाइमर कैन बी डिफरेंट नहीं लिख सकते आप, क्लियर है भाई? ये हमेशा क्या रखने पड़ेंगे आपको, मैच क्या रखने पड़ेंगे, मैच। मैंने सिर्फ किसको डिफरेंट लिखा है, टाइमर्स को लिखा कहीं पे नहीं ना, तो अब दूसरी बात, पहला क्लियर हुआ टाइमर्स कैसे चेंज होते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट नेट मास, किसकी बात कर रहा हूं, नेट मास का मतलब होता है सब नेट मास, क्या होता है देखो R1 किधर जा रहा है एरो, R1 कनेक्टेड वाया R2, बीच में नेटवर्क चल रहा था, स्लैश कितना था 30, अब R1 जब एडवर्टाइज कर रहा है तो स्लैश वैल्यू कितनी जा रही हो 24, और जब R2 एडवर्टाइज कर रहा हो तो स्लैश वैल्यू कितनी जा रही थी 30, क्या दोनों का सबनेट मास मैच हो रहा है, इज्जत इज्जत नो सर, सबनेट मास मैच हो रहा है नहीं सर, 130 124। चलो दिखा भी देता हूँ, देखो पहले तो टाइमर सेम कर दूं, नेबरशिप डाउन हो गई ना, ये लो कैसे सेट करते हो, देखो शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस E0/0, कमांड क्या है, कमांड पढ़ो शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस E0/0, टाइमर देखो हेलो कितना है मेरा 5, डेड कितना है 15, तो डिफॉल्ट कर रहा हूँ E0/0 आईपी ओएसपीएफ हेलो इंटरवल, उसके आगे क्या लिख दिया, ठीक है भाई, नो आईपी ओएसपीएफ डेड टाइम, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस E0/0, ये कमांड चलते हैं टाइमर्स के लिए, कितना हो गया दोबारा से 10 40। लो भाई नेबरशिप भी तो बना लोगे यार, आ गया, सबनेट मास डिफरेंट करो, देखो सबनेट मास डिफरेंस कैसे करते हैं, कर दिया भाई, कितना गया स्लैश 24, क्या बोल दिया उसने तुरंत ही, उसको क्या कर दिया डाउन, याद रखना, तो सबनेट मास भी हमेशा क्या होना चाहिए आपका सेम होना चाहिए, और अगर मिसमैच हुआ तो क्या हो जाएगी दोबारा से नेबरशिप डाउन, तीसरा क्या था एरिया, तीसरा क्या था भाई एरिया, एरिया एरिया की बात कर लो, R1 और R2 यहां पे क्या चला दिया मैंने एरिया 0, यहां पे क्या चला दिया एरिया 1, तो इनको भी क्या होना चाहिए, दोनों को भी क्या होना चाहिए, जब डायरेक्टली कनेक्टेड हो तो क्या होना चाहिए इनका भी सेम, क्लास ओवर, इतना कॉन्सेप्ट पढ़ गया ना, कल पढ़ेंगे 7 स्टेज, क्या पढ़ेंगे तो मैंने टाइमर चेंज करना सिखा दिया, ठीक है भाई, बाकी बात कल करेंगे, आज के लिए इतना पचाओ।